नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे देश में आजादी के बाद देश को एक नई दिशा दिलाने वाले जयप्रकाश नारायण के बारे में। देश की आजादी का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे जहन में जिस व्यक्ति का नाम आता है वह है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वहीं देश की दूसरी आजादी का सबसे बड़ा श्रेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाता है। दूसरी आजादी से मतलब है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल का खात्मा और लोकतंत्र की बहाली। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र का नया जीवन देने वाले जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर मौजूद छोटे से गांव सिताब दियारा में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा गांव में ही हासिल की थी। इसके बाद सातवीं क्लास के बाद पढ़ाई करने के लिए पटना आ गए। जयप्रकाश नारायण बचपन से ही पढ़ने में मेधावी थे। मैट्रिक की परीक्षा के बाद जब उनका नामांकन पटना कॉलेज में हुआ तो वहां उन्हें स्कॉलरशिप मिलती थी। बताया जाता है कि वह पढ़ाई के दौरान ही गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे और स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करते थे। वो हाथ से सिला धोती और कुर्ता पहनते थे। जयप्रकाश नारायण 18 साल की उम्र में ब्रजकिशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती से उनकी शादी हुई थी। कुछ साल के बाद प्रभावती ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और अहमदाबाद के गांधी आश्रम में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ रहने लगे। इसके बाद जेपी ने भी अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। जेपी ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दिया था। जेपी जिस कॉलेज में पढ़ते थे वह कॉलेज अंग्रेजों द्वारा वित्त पोषित था, इसीलिए उन्होंने वहां पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद वे बिहार कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे बिहार विद्यापीठ में अपना नामांकन करा लिया। साल 1922 में वह पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया चले गए और जनवरी 1923 में उन्होंने बर्कले यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लिया। वहां उन्होंने समाजशास्त्र की पढ़ाई की। अपना खर्च वहन करने के लिए उन्होंने गैरेज में काम किया। वहां पढ़ाई के दौरान ही वे रूसी क्रांति और मार्क्सवाद से प्रभावित हुए। 1929 में वह एक मार्क्सवादी के रूप में अमेरिका से भारत वापस लौटे और उसी साल कांग्रेस में शामिल हो गए। देश की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे जयप्रकाश नारायण को 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए उन्होंने कई तरह की यातनाएं दी गई। जब वे जेल से बाहर निकले तो वह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए। उसी दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और जेपी इसके महासचिव बनाए गए। देश में आजादी के बाद 1954 में जयप्रकाश नारायण ने विनोबा भावे के साथ सर्वोदय आंदोलन के लिए काम करने की घोषणा की। इसके बाद 1957 में उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन 1960 के दशक के अंत में एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हुए। उन्होंने किसानों के आंदोलन की अगुवाई की। जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ थे। 1974 में पटना में छात्रों ने आंदोलन छेड़ा। उसके बाद छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को अपने आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा। जेपी ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्वक होगा और इस तरह जेपी शर्त के साथ आंदोलन में कूद पड़े। यही वह दौर था जब देश में इंदिरा गांधी के खिलाफ माहौल बन गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा चुनाव में अयोग्य ठहराए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण जेल गए और तकरीबन 7 महीने तक जेल में रहे। इस दौरान उनकी तबीयत खराब भी हो गई थी, लेकिन इसी दौरान उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसके बाद देश में एक बार फिर से लोकतंत्र की बहाली सुनिश्चित कर दी। इसी जेपी आंदोलन के छात्र नेता में शामिल रहे कई नेता आज राजनीति में सक्रिय हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी के साथ ही देश में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका हिस्सा थे। आपातकाल के बाद देश में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। इस चुनाव में खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी चुनाव हार गए थे। 8 अक्टूबर 1979 को दिल की बीमारी और डायबिटीज के कारण पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। इसके बाद 1999 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न से नवाजा गया। ऐसे ही और भी वीडियो के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।